गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं फिलहाल ठीक हूँ भगवान की दया से, और मैं जा रही हूँ अभी अपने गांव संदीप। तो जो है आधे रास्ते तक मुझे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगी। तो अभी मुझे बैंक का कुछ काम था जिस कारण से मैं आई थी यहाँ पे घाटी में। मतलब मैंने जो है अपना बैंक वैंक का काम किया, तो मुझे कुछ काम था इसलिए मुझे घर भी आना पड़ा। यार बहुत है, चलो मैं बैंक के अंदर से आपको दिखाती हूँ। आने के बाद मैंने ड्रेस चेंज किया, खाना खाया, फिर मैं सो गई थी। अभी जस्ट उठी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। बड़ी मम्मी भी बार बार बोल रही है। बड़े पापा गए हैं खेत। जी मैं लाइट ऑन करके इसको ऑफ ही कर देती हूँ, बहुत गर्मी है यार। बड़े पापा तो रहे हैं अपना खेत से। कहा बड़े पापा, तो टी शर्ट वर्ट पहना है? अमृत पकड़ पापा बाहर से अपने पेड़ से लाया है ये अमरुद तोड़ के। देखिए कितना बड़ा बड़ा है, सारा तोड़ लिया तो बस ये तीन अमरुद हमें नसीब हुआ है पूरा पेड़ से ना। वर्का पा आओ, अब अमरुद हाँ आओ है। आओ चाहिए वर्का पा को जितना खुशी है ना इस अमरुद से, वो किसी को नहीं है। देखिए यहाँ पे कितनी झूम झूम के बारिश हो रही है। चलिए मैं दरवाजा थोड़ा सा खोल देती हूँ। यहाँ पे झूम झूम के बारिश हो रही है, और बड़े पापा और बड़ी मम्मी दोनों अंदर मिलते हुए मैं दरवाजा खोल के थोड़ा सा बारिश का आनंद दे रही हूँ। मज़ा आ रहा है, दो दिन से गर्मी से हालत ख़राब था। तीसरा दिन चलो रिलैक्स हो, बहुत अच्छे से मन भी थोड़ा सा शांत शांत सा लग रहा है, और मिट्टी की सौंधी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पे आज एक नींबू टूटा है जो बड़े पापा तोड़ के लाया। फिर जब मैं चश्मा पहन के देख रही थी तो मुझे एक अमरुद दिखाई दिया, और जैसे ही मैंने अमरुद को देखा मैंने मम्मी को बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक अमरुद तोड़ देती हूँ। फिर जब मैं वहाँ पे गई तो अमरुद फिर मुझे दो दिखा, फिर मुझे तीन दिखा, ऐसे ऐसे करते मेरे हाथ में तीन अमरुद आ गया था। ये तीन अमरुद नष्ट हो रहे हैं यार, मक्खी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि एक तो बारिश का टाइम है, ऊपर से अगल बगल गोबर वोबर, तो इसलिए देखो। तो यार मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज है सोमवारी और मम्मी के साथ मैं सोमवारी का पूजा करने जा रही हूँ शिवालय में। और जैसे तैसे छोटा सा चूड़ी का साइज मम्मी पूरा अपना जो है बक्सा बुक्सी खोल के निकाल रही है। चलिए फटाफट। हाँ सब के छोटी है की चिंता है भाई, सब ओकरे से मिल रही छोटी। पूजा हो गई है, वहाँ पे एक लेडीज थी तो मम्मी को बोल रही थी शिव चर्चा में आने के लिए, क्योंकि आज का सोमवारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब बोल रही थी बड़ी मम्मी को आने के लिए, पता नहीं बड़ी मम्मी शाम में जाएगी कि नहीं, ये तो बड़ी मम्मी पे डिपेंड करता है। और हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद फिर हम मम्मी ने कुलदेवता को पूजा किया, पूजा इन द सेंस प्रणाम किया। जैसे पूजा करके मैं आ गई हूँ घर में, और बड़ी मम्मी अभी गई है खाना निकालने के लिए। तो जैसे ही हम लोग मंदिर में पूजा करके निकल रहे थे तो वहाँ पे खुशी आ चुकी थी, और जैसे ही वो मुझे देखी तो शॉक हो गया था, उसका रिएक्शन बहुत शॉकिंग सा था। और बस उसका पहला जो रिएक्शन था, अरे ऐसा था, और मैं उसके टोन में नहीं बता रही हूँ, बट उसका रिएक्शन ऐसा ही था, बहुत शॉकिंग सा। और फिर दूसरा जो उसके मुंह से सेंटेंस निकला कि आप आई हैं तो छुटकी भी आई है, तो मैंने बोला कि नहीं। फिर उसका मुंह थोड़ा सा छोटा हो गया था, फिर उसने खुद से ही बोला कि इसे अच्छा वो तो आएगी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। बोले हाँ नवंबर दिसंबर अगर छठ हुआ घर में तब, अदरवाइज़ अभी नहीं।
तो खैर अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड, बाय बाय। चलिए आज सोमवार है इसलिए मैं जो है मेरा जो फेवरेट श्लोक है शिव शंभु के लिए वो मैं गुनगुना देती हूँ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरम, कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरम। भगवान शिव शंभु सभी आपकी मनोकामना को पूर्ण करे और सबका दुख हरता, सुख करता, आपके घर में बरकत बनाए रखे। बाय बाय। आज पाओ मुझे बेटू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बाय। नहीं नहीं बात करूंगी। ओ बेटू, देखो देखो इसको देखो, छोड़ छोड़, मां खाएगी तुम, छोड़ो गंदी लगी, छोड़ तो नहीं नहीं क्या नहीं क्यों छोड़ छोड़